शरद मल्होत्रा को दिव्यंका त्रिपाठी से ब्रेकअप क्यों पड़ा भारी। आइए जानते हैं कि आखिरकार दिव्यंका त्रिपाठी के साथ ब्रेकअप कर आज क्यों पछता रहे हैं शरद मल्होत्रा, क्या है इसके पीछे की पूरी वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। वेल दोस्तों, एक ज़माना था जब दिव्यंका त्रिपाठी शरद मल्होत्रा के प्यार में पागल थी। बनू मैं तेरी दुल्हन से इन दोनों ने शो की अपने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के चक्कर में पड़ गए। शरद मल्होत्रा दिव्यंका त्रिपाठी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, पर दिव्यंका त्रिपाठी शरद के लिए काफ़ी पॉजिटिव थी। करीब 7 साल तक इनका ये लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों की राहें बदल गई और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शरद और दिव्यंका अलग हो गए। खबरें ये आ रही थी कि ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे और इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। दोनों की फैमिलीज जो है काफ़ी खुश थी, लेकिन दिव्यंका का जो बिहेवियर था शरद को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। दिव्यंका शरद को लेके काफ़ी ओवर पॉजिटिव थी और उनके हर एक मैटर में वो इंटरफेयर किया करती थी। शरद मल्होत्रा अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना चाहते थे, जो कि दिव्यंका दे नहीं रही थी उन्हें जीने। वेल, शरद मल्होत्रा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे दिव्यंका त्रिपाठी से, जिसके चलते इन दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी और लड़ाई भी होती थी। उस समय दिव्यंका के पास कोई भी काम नहीं था और दिव्यंका ब्लैंक थी, यानी कि उनके पास कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, जिसको लेकर भी दिव्यंका काफ़ी परेशान रहा करती थी। लेकिन फिर बाद में शरद ने दिव्यंका से अपनी राहें अलग कर ली और शरद मल्होत्रा अपनी राह में आगे बढ़ गए। तो वहीं पर दिव्यंका त्रिपाठी 2 साल तक शरद के साथ ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। दिव्यंका त्रिपाठी को जब ये है मोहब्बत शो ऑफर हुआ, तब जाकर दिव्यंका को ऐसा लगा कि उनकी जो पटरी है करियर की, वो कहीं ना कहीं सुधर सकती है। दिव्यंका त्रिपाठी ने ये है मोहब्बत शो किया, जहाँ पे उन्हें प्यार हुआ विवेक दहिया से। विवेक दहिया के साथ बिना वक्त गुजारे 2018 में दिव्यंका त्रिपाठी ने शादी कर ली और आज दिव्यंका विवेक दहिया के साथ काफ़ी खुश है। तो वहीं पर शरद मल्होत्रा भी अपने वाइफ के साथ काफ़ी खुश है। वेल, एक वक्त ऐसा था कि जब शरद से पूछा गया कि दिव्यंका त्रिपाठी के साथ ब्रेकअप करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, इस दौरान शरद ने बताया कि ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दिव्यंका एक बहुत ही केयरिंग नेचर की गर्ल है और मैं उसे खोकर काफ़ी पछता रहा हूँ। लेकिन वो जो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा, ऐसा ही कुछ हुआ है शरद के लाइफ में। जब शरद ने ये स्टेटमेंट दिया था, तब ऑलरेडी दिव्यंका ने शादी कर ली थी विवेक दहिया के साथ। आज कहीं ना कहीं दिव्यंका की शादी को लेकर शरद के दिल में कुछ ना कुछ राज तो भटक ही रहे हैं, यानी कि शरद अंदर ही अंदर पछता तो ज़रूर रहे हैं कि उन्होंने दिव्यंका के साथ शादी क्यों नहीं की। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दिव्यंका त्रिपाठी की जोड़ी आपको किसके साथ अच्छी लगती है, उनके एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा के साथ या फिर उनके प्रेजेंट हबी विवेक दहिया के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर चटपटी गॉसिप्स है, मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।